इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन फॉर्मूला फॉर गेट IES ISRO PSU का ये पार्ट 16 वीडियो है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर हमारे पास दो इंडक्टर है, ठीक है, और वो सीरीज़ में कनेक्टेड है और डॉट हमें इधर दे रखा है, ठीक है, और ये सपोज है यहाँ पे इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M, ठीक है। तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जो डॉट है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में डॉट होंगे तो बीच में इधर माइनस आ जाएगा, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अंडर रूट L1 L2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ये जो है अगर सीरीज में कनेक्टेड है इंडक्टर तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो मैं लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट करना होगा हमें इंडक्टर तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन में क्या होता है, जो आउटपुट होता है YT इक्वल्स टू क्या हो जाता है, XT इनपुट इनटू रिस्पॉन्स, है ना। सॉरी, ये कन्वोल्यूशन का जो साइन है आपको पता होगा, तो ये किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो ये कन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी में क्या होना चाहिए, कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है उसको हम सबमिशन अगर करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मॉड लेंगे, इट शुड बी लेस देन इनफाइनाइट, ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम में एक और टॉपिक होता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, उसको अगर अपने को निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, सी इंटू SI माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी प्लस डी, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, क्या होता है गॉसलो, गॉसलो क्या होता है, इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू, क्यू क्या होता है हमारा चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। डी क्या है इसमें, टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स होगा उसका हम इंटीग्रेट करेंगे किसी भी सरफेस में तो किसके इक्वल होगा, चार्ज एनक्लोज्ड के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, आपको ये क्वेश्चन पहले इसरो के एग्जाम्स में आता था, ठीक है। नंबर ऑफ कंपेरेटर पूछ लेते थे डायरेक्टली, तो वो क्या होता है 2 की पावर n-1, n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर की बात की थी हमने लास्ट वीडियोस में, उसका पीक वोल्टेज हमने उसका रिपल फैक्टर देखा था, इफिशियंसी देखी थी, ठीक है। पर पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है उसका ट्वाइस ऑफ VM, ठीक है, ट्वाइस ऑफ VM। और अगर सेंटर टेप की बात करें तो सेंटर टेप में भी जो रेक्टिफायर होता है उसका भी पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है, ट्वाइस ऑफ VM। चलिए, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिए अच्छे से, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, एक में नेटवर्क का आपने स्टार डेल्टा सुना होगा, है ना, स्टार डेल्टा कनेक्शन, तो ये वाला डेल्टा हो रहा है जो भी बना रही हूँ, और ये वाला चीज क्या होती है, स्टार होती है, ठीक है। तो आपको ये कन्वर्जन इसका पता होना चाहिए किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इसे। सपोज इसे मैं लेती हूँ आर, कैपिटल में ले रही हूँ आर ए, इधर आर बी, इधर आर सी, ठीक है। ये स्मॉल लेते हूँ, स्मॉल आर बी आर सी आर ए, ठीक है। अब हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब हमें ये वाली आर्म, अगर ये वाला आर्म और ये वाला आर्म कैलकुलेट करना है, मतलब हमें आर ए कैलकुलेट करना है, है ना, आर ए कैलकुलेट करना है। तो आर ए कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बीच में आ रहा है, आर ए और आर सी के बीच में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर ए आर सी कैपिटल है, सॉरी, आर ए आर सी अपॉन आर ए प्लस इन तीनों का सम, ठीक है। उस तरीके से अगर मुझे स्मॉल आर सी कैलकुलेट करना होगा, स्मॉल आर सी, तो ये किसके बीच में आ रहा है, आर सी और आर बी के उसमें आ रहा है बीच में, तो आर बी आर सी अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। और उसी तरीके से अगर मुझे आर बी कैलकुलेट होगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ले लेंगे हम, आर बी किसके बीच में कनेक्टेड है, आर ए और आर बी के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ए आर बी, और नीचे डिनोमिनेटर में जैसा मैंने आपको बोला कि तीनों का सम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ये बहुत आता है एग्जाम्स में, ठीक है। कुछ कुछ अगर आपको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी अगर दे रखा होगा तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन
से ही ये सॉल्व होना है, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। एम सिग्नल अगर है, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो क्या होता है? सिंपल सा ही आपको पता होगा क्या होता है वो, वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन में वी मैक्स प्लस वी मिन, ठीक है। तो ऊपर माइनस आता है, जो वोल्टेज होता है उन दोनों का हम माइनस करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज, और नीचे हम डिनोमिनेटर में प्लस करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमें इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर प्लस आना है कि नीचे प्लस आना है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में म्यू क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। क्वांटाइजेशन नॉइस, क्वांटाइजेशन नॉइस का क्या फॉर्मूला होता है? डेल स्क्वायर बाय 12 होता है, ये बहुत इजी फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेल स्क्वायर बाय 12, और डेल क्या है इसमें? स्टेप साइज है ना, क्या है? स्टेप साइज। और ये क्या होता है? पीक टू पीक वोल्टेज अपॉन में 2 की पावर n, n इज द नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, पीक टू पीक अपॉन m इज द नंबर ऑफ लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी और बहुत सारे पॉइंट्स जो बचे हैं उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसे याद करते जाइए, ठीक है, और लिखते जाइए, रिवीजन नोट्स हो सकता है आपके रेडी हो रहे हों, जैसा मैंने आपको बोल रखा है हर वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।